नमस्कार, ट्रैवल टुडे टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनोद ठाकुर। दर्शकों, आज मैं आपको एक ऐसे हाई स्कूल से रूबरू करवाऊंगा, वहां आप देख सकते हैं कि हिमाचल सरकार जिस सफलता और जिस विकास की बात रोज करती है, उसके जो आपको ताज़ा नमूना यहां दिखाऊंगा कि एक हाई स्कूल जो वर्ष 2006 में अपग्रेड होता है, लेकिन सरकार जो है उसे वो पिछले 6 के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग 16 वर्ष हो गए हैं इस स्कूल को अपग्रेड हुए, लेकिन आज तक स्कूल जो सरकार है वो इस स्कूल को भवन तक नहीं दे पाई है। आप देख सकते हैं कि ये गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सियूर है, और ये जो हम अभी खड़े हैं ये मुख्य कार्यालय है स्कूल का, और हमारे जो सामने है ये बच्चे जो हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं। तो जिस विकास की बात दिन रात सरकार करती है और बड़े बड़े दावे जो होते हैं वो चुनावी भाषणों में होते हैं, या फिर ये कहे कि सरकारी जो कार्यक्रम होते हैं वहाँ हर रोज जो है सरकार अपनी पीठ थपथपाती है और बड़े बड़े जो दावे हैं वो किए जाते हैं कि हिमाचल शिक्षा के स्तर में कहाँ तक पहुँच गया है। लेकिन आपको आज मैं सच्चाई से रूबरू करवाऊँगा कि हकीकत क्या है हिमाचल प्रदेश, खासकर जो भरमौर के जो जनजातीय क्षेत्र के स्कूल है वहाँ सरकार कितना बड़ा जो अन्याय है इन बच्चों के साथ कर रही है। आपको बता रहा हूँ कि ये जो व्यवस्था है ये इतनी मतलब खराब है कि जहाँ शिक्षा का अधिकार, सरकार बोलती है कि हमने शिक्षा का अधिकार दिया है, तो फिर जब शिक्षा का अधिकार दिया था तो इनको जो एक संस्था का ढांचा देना था वो कौन मुहैया करवाएगा? आप मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो आगे चलें और बताएं कि किस तरह की जो व्यवस्था है। ये देखिए, आप यहाँ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो सियूर है उसके 9th और 10th के बच्चे जो हैं यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। ये स्कूल वर्ष 2006 में अपग्रेड हुआ था। इससे पहले आपको ये भी बता दें कि ये जो स्कूल है वो प्राथमिक स्कूल से मिडिल स्कूल अपग्रेड हुआ था वर्ष 1994 में। तो 1994 से लेकर जो 2006 का जो 12 साल का लम्हा था, सरकार उस इतने बड़े लम्हे में भी जो मिडिल स्कूल सियूर था उसको भवन नहीं दे पाई। अब सरकार की लापरवाही की इंतहा तो तब हो जाती है जब ये स्कूल 2006 में अपग्रेड होता है और 16 वर्ष बीत जाने के बाद भी इस स्कूल के जो बच्चे हैं उनको स्कूल का भवन नहीं मिल पाया है। 50 के आसपास यहाँ बच्चे रोज शिक्षा ग्रहण करते हैं और इसी जो ढांचा है, एक जुगाड़ू ढांचा आप कह सकते हैं, इसी में ये बच्चे जो हैं वो शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर है। तो ये एक हिस्सा है स्कूल का। हम चलेंगे अब आगे और बताएंगे आपको कि आगे किस तरह की जो व्यवस्था है और किस तरह के जो हालात है ये आपको बताएंगे। तो ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल सियूर का भवन है, जहां आप देख सकते हैं कि इस किराए के भवन में जो ये जो क्लासेस हैं वो चली हुई हैं। ये पूरा भवन है, इसमें दो क्लासें जो हैं वो किसी न किसी तरह एक व्यवस्थित तरीके से जो है वो अपने आपको रोज यहां एडजस्ट करते हैं। और इन्हीं ही जो स्ट्रक्चर में एक और कमरा है, आपको वहाँ बता दूँ कि एक और कमरा है जहाँ ये स्कूल का एक हिस्सा ये कमरा भी है। तो एक और जो कमरे का एक हिस्सा है ये है, ये दो कमरे हैं जहां पर जो हाई स्कूल सियूर है उसके बच्चे रोज पढ़ाई करते हैं। अब आपको लेके चलता हूं कि वहां जहां इस स्कूल की जो बाकी क्लासेस हैं वो लगती हैं, तो वहां जाने के लिए आपको थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। तो मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो साथ में आए और बताएं कि किस कितना जो यहाँ का जो एक स्ट्रक्चर है स्कूल का वो किस तरह जो है जो बच्चे जो हैं उनको वो सफ़र करना पड़ता है। ये बीच में जो है ये प्राथमिक स्कूल का भवन है, यहाँ बच्चे जो हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं। ये प्राथमिक स्कूल का भवन है, यहाँ भी बच्चों को जो है वो पढ़ाया जाता है। यहाँ हाई स्कूल के बच्चों को एक कमरा दिया गया है और यहाँ हाई स्कूल के बच्चे एक कमरे में पढ़ाई जरूर करते हैं, लेकिन ये जो स्कूल है ये गवर्नमेंट प्राथमिक स्कूल सियूर है। तो ये व्यवस्था है, आप देख सकते हैं कि सरकार किस तरह से यहाँ बच्चों के भविष्य के, यहाँ जो बच्चे हैं उनके साथ
किस तरह से खिलवाड़ कर रही है, उनको जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए थी, जिस तरह के दावे सरकार करती है कि हम बच्चों को ये दे रहे हैं ये दे रहे हैं, लेकिन जो ढांचा होता है, एक संस्था का एक ढांचा होता है जहां पर बच्चों को पढ़ाई करनी होती है, उस ढांचे की हालत आप देख सकते हैं। तो ये एक और भवन है जहाँ पर स्कूल की जो क्लासेस है वो चलती है, इसमें सिक्स सेवन्थ और जो एट्थ क्लास है वो क्लासेस जो हैं वो बैठती हैं। तो ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल जनजातीय क्षेत्र भरमौर का सीनियर सेकेंडरी, माफ़ कीजिएगा, हाई स्कूल सियूर है। और ये जो है ये प्राथमिक स्कूल है, ये प्राथमिक स्कूल है, और इसी के एक कमरे में जो है वो हाई स्कूल की क्लास को जो है वो व्यवस्थित तरीके से रखा गया है। आप देख सकते हैं कि कितना जो फासला है, एक कैंपस है, एक इनका उनमें जो फासला होता है एक भवन का, वो कितना फासला है कि अभी तक हम जहाँ दूसरी क्लासेज जो लगती है इनकी तीन, वहाँ तक अब नहीं पहुँचे हैं अभी तक। ये जो अब दूसरा जो भाग है स्कूल का, हम वहाँ पहुँच रहे हैं, तो वहाँ देखेंगे कि किस तरह की जो क्लासेस है वो चली हुई है बच्चों की। ये देखिए, ये जो बच्चे हैं यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि ये शायद यहाँ बिजली अभी नहीं है, तो आपको यहाँ अंधेरे में ही बच्चों से मिलाना पड़ेगा क्योंकि बिजली की व्यवस्था नहीं है, और यहाँ अध्यापक जो है बच्चों को पढ़ाई करवा रहे हैं। तो मैं बच्चों से भी, अगर बच्चे जानना चाहूंगा इनसे कि बच्चों बोलोगे कुछ, क्या नाम है आपका? किस क्लास में पढ़ते हो? बिना भवन के पढ़ाई कर रहे हैं आप इतने सालों से, कैसा लगता है? क्या कमी नहीं है पढ़ने के लिए? कमी नहीं है, लेकिन जैसे आप दूसरे स्कूलों में जाते हैं तो बड़े बड़े स्कूलों के भवन देखते हैं जहां कई प्रकार की व्यवस्थाएं होती है, लेकिन वो व्यवस्था आपको नहीं मिल पा रही है, उसके बारे में सरकार से कुछ मांग करोगे? स्कूल के कुछ नहीं, यहाँ पर स्कूल भी बन रहा है तक नीचे, पर स्कूल नहीं है पढ़ने के लिए हमारे यहाँ पर। अच्छा, ये छात्र बता रहा है कि यहाँ पढ़ाई वगैरह की व्यवस्था तो बिल्कुल है, लेकिन जो एक ढांचा होता है अभी भी, आप देखिए कि जो बिजली की व्यवस्था है, कम से कम बिजली की जो, ये बिजली अब शायद आ गई है, तो ये बिजली आ गई है, लेकिन इनकी जो एक पढ़ाई करने का एक सिस्टम होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए, वो अभी तक इन बच्चों को नहीं मिल पाया है। ये ढांचा है, यहाँ एक क्लास बैठी हुई है, और इसी तरह ये जो बच्चे हैं वो कई सालों से जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं। ये दूसरा कमरा कहाँ सर? दूसरा कमरा ऊपर है, पर अभी वो। हाँ, तो ये आपको, आप ये बता दूं कि ये जो एक हिस्सा था पहले एक स्कूल का, वहाँ मैंने आपसे वहाँ बताया आपको, तो मेरे साथ एक स्थानीय व्यक्ति हैं, हम उनसे बात करेंगे, मेरे ख्याल से बाहर करते हैं, आप चलिए बाहर। सबसे पहले तो स्वागत है आपका ट्राइबल टुडे टीवी में। धन्यवाद सर। अच्छा बताइए कि ये क्या स्कूल भवन इतने साल से नहीं बन पा रहा है, तो किसको कसूरवार ठहराएंगे आप? सारी एक कसूरवार तो गवर्नमेंट ही है, सरकार ही है, क्योंकि बहुत बहुत दावे करते हैं, अब इलेक्शन आ गए हैं तो बन जाएगा, और इतने इलेक्शन हो गए मगर ये स्कूल नहीं बना है, बच्चे का तो हमारे का भविष्य खराब है सर, ये है। अच्छा तो ये बताइए कि आपने इस प्लेस से जो मामला है इसको क्या सरकार के समक्ष रखा नहीं गया, या फिर क्यों इतना बड़ा जो सरकार की लापरवाही है, तो फेलियर किसका है, सरकार का या फिर आपके जो स्थानीय नेता है उनका, किसका फेलियर? जो हमारे स्थानीय नेता है सर उनका ही है, वो नहीं कर पा रहे है कुछ भी, ये है। अच्छा तो अब बच्चे मान लो कि यहाँ बिजली नहीं है अभी, तो ऐसी सूरत में बच्चे अब कैसे पढ़ाई करते हैं? सर बिजली का ऐसा है कि बिजली अब गवर्नमेंट ने यहाँ रखा है, स्कूल किराए तो देते हैं, बिजली का किराया वो नहीं देते, बिल नहीं देते, कुछ नहीं, हम भी गरीब लोग हैं, हमने भी कितना क्या करना है, उसलिए ये बिजली जो है वो बंद रखी है। अच्छा तो आप ये देखिए कि सरकार की
एक और सरकार का क्या बोलेंगे इसको कि एक और उपलब्धि देखिए कि एक तो सरकार ने आज दिन तक इस भवन को एक स्कूल का भवन जो मिलना था ना वो दे पाए, अब रही सही कसर सरकार ने और शिक्षा विभाग ने यहाँ पूरी कर दी कि कम से कम बिजली का जो एक रेंट देना चाहिए था उनको वो भी उसे देने में असमर्थ है। तो एक और कामयाबी कहेंगे हम कि कितना बड़ा जो फेलियर है यहाँ पर सरकार का और स्थानीय प्रशासन का आपको देखने को मिल रहा है। अच्छा एक बात और बताइए मुझे कि जितने भी अब बच्चे रहते हैं कि कितने गांव के बच्चे जो यहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं? सात गांव है, सात गांव के बच्चे जो वो आते हैं इधर। नहीं आपको नहीं लगता कि जैसे आप जैसे दूसरे स्कूलों में आप देखते हैं कि वहाँ बच्चे? नहीं, बहुत अच्छा लगता है सर, मगर ये है कि आप घर नहीं कुछ पा रहे हैं या नीचे लगा है काम बिल्डिंग का, कई साल हो गए इसको, बहुत दूरी पड़ी है, उसका काम नहीं चला रहे हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है सर, हमें नहीं पता। हाँ जी। अच्छा ना एक हमारे साथ महिला हैं वो कुछ शायद कहना चाहते हैं, आप बताइए कि क्या कहना कहेंगे आप इस समस्या पर? क्या ग्रहण 10-2 साल तो हो गए ने स्कूल रखियो, 2-2.5 साल हो गए कने भी माल भी है आदमी भी है सारा कुछ है तो क्या नहीं है। तो ये घर के मालिक हैं और अब इन्होंने इनका कहना है कि हमें इस स्कूल के लिए हमने जरूर कमरे दिए थे लेकिन अब 27-28 वर्ष हो गए हैं और अब जो ये स्कूल है बेशक इन्होंने यहाँ के बच्चों की पढ़ाई के लिए दिए थे लेकिन अब ये स्कूल जो इनकी गले की फांस बन चुकी है क्योंकि सरकार 27-28 वर्षों से स्कूल के भवन का निर्माण नहीं कर पाई है और अब ये जो स्कूल है वो यहाँ जो है वो कई सालों से चल रहा है। तो किराया वगैरह तो मिलता है आपको? एक और माता जी हैं वो बोलना चाहती हैं कि बताइए जी क्या बोलते हैं आप कि किराया वगैरह जो है वो तो सिमुड़ेगा ठीक ठाक? किराया मोल तक है ठीक था, एक झगड़ा होगा 5 साल तथ बाद किराया लो रही है क्या लो रहा 4-5 कमरे अंदर कतने दिन दे 800 रुपये दिन दे 8000 ना 8000 500 रुपये महीने रहा। क्या किराया है आप साफ देख सकते हैं कि व्यवस्था क्या है आखिर जो हिमाचल सरकार जो रोज दम भरती है कि बच्चों की शिक्षा पर इतना खर्च कर रहे हैं ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि एक तो यहाँ शिक्षा विभाग जो स्ट्रक्चर था एक ढांचा देना था इन बच्चों को पढ़ने के लिए वो नहीं दे पाया, अब ढांचा तो दूर जो कि किराया है उसको लेने के लिए भी इनको न्यायालय की शरण में जाना पड़ा और शिक्षा विभाग से जो किराया इन्होंने लेना था उसके लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी और वो भी महज कितना महीने का कितना 856 रुपये एक कमरे का किराया जो था उसे लेने के लिए इन्होंने सभी कमरों का जो किराया है ये आप कहेंगे कि हंस रहे हैं लेकिन ये एक मजाक सा लग रहा है कि आखिर क्या सरकार ने सोच के रखा हुआ है कि मात्र इतने रुपए में कहाँ आपको किराए पर कमरे मिलेंगे। और बड़ी हैरानी की बात है कि ना तो शिक्षा विभाग ना स्थानीय जो लीडर हैं कोई भी व्यक्ति इसमें आज दिन तक क्यों इस बात को आगे तक लेकर क्यों नहीं गए। तो ये एक नमूना है आपको दिखा रहे हैं कि शिक्षा विभाग जिस रोज बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन आपके सामने है कि किस तरह से जो बच्चों को है वो पढ़ाई जो है वो जैसे तैसे धक्के देकर जो है वो सिस्टम चलाया हुआ है। ऐसा नहीं है स्कूल के भवन का काम चला, एक दो जगह पहले जमीन ली हुई थी उसके बाद एक और जगह पर स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा था, बीच जगह में उसका जो काम था वो बंद कर दिया गया। अब इसमें कसूर किसका है, शिक्षा विभाग का या उस ठेकेदार का या फिर उन राजनेताओं का जो रोज विकास का दम भरते? आप सोशल मीडिया में जाएंगे तो भरमौर की विकास हर रोज होती है, हर रोज भरमौर की विकास की बात होती है लेकिन विकास कहाँ पहुँचा है ये आपके समक्ष है, जीता जागता सबूत है कि जो फेलियर है सरकार का वो किस तरह से सामने आ रहा है। ट्राइबल टुडे टीवी के लिए भरमौर से विनोद ठाकुर की रिपोर्ट।